असलम दिस इज काशिफ रशीद एंड यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट शार्ट क्वेश्चन एंड ऑफ प्ले नंबर द द एंड लेट्स गेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन वे डज टेक प्लेस तो ड्रामा जो है ये कहाँ वाक्य होता है द प्ले द्ले प्लेस इन अ टाउन ओके बाय द सी इन कैलिफोर्निया ड्रामा जो है ये ओके बाय द सी जो कस्बा है कैलिफोर्निया में वहाँ पर जो है वो वाक्य होता है मोस्ट ऑफ द एक्शन अखर्स इन शॉप ज़्यादातर एक्शन जो है वो हैरी की शॉप के अंदर रूना होता है हु इज़ द बाबर जो कि एक हुजाम है द पापोलेशन ऑफ द टाउन इज नाइन और नाइन और उस कस्बा की आबादी जो है वो नौ सौ नौ है क्वेश्चन नंबर टू वाई इज़ हैरी सिटिंग इन द बाबर्स चेयर तो हैरी जो है वो हजाम की कुर्सी पर क्यों बैठा है क्ले यंग बॉय क्ले जो कि एक नौजवान लड़का है इज गिविंग हैरी अयर कट वो हैरी को हेयर कट दे रहा है दैट्स वाई हैरी इन चेयर इसी वजह से हैरी जो है वो हजाम की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री अकॉर्डिंग टू हैरी हैरी के मुताबिक हाउ डाज वन ब्रिंग मैरिमन टू ऑल ह्यूमन हर्ट किस तरह एक बंदा जो है थके मादे बूढ़े इंसानी दिल को जो है वो उसके लिए खुशी जो है वो ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू हैरी हैरी के मुताबिक देर आर डिफरेंट वेज टू ब्रिंग मैरमैन टू दी टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हर्ट्स तो बूढ़े थके मदे इंसान दिल के लिए खुशी लाने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं बाई कम्पोजिंग आ सैंफनी तो धुन को मुरतब करके पेंटिंग पिक्चर या फिर एक पिक्चर जो है वह पेंट करके राइटिंग बुक या एक किताब लिख कर और इनवेंटिंग फिलासफी या फिर कोई फलसफा ईजाद करके क्वेश्चन नंबर फोर वट इज़ हरीज़ फिलोसफ़ी हैरी का जो फ़लसफ़ा है वह क्या हैरी बिलीव इन टेक इट इज़ी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ हैरी जो है ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजारने के फलसफों पर यकीन रखता है हीज़ ऑफ दू उसका नज़रिया है दैट यू कैन मेक पीपल हैप्पी बाई कीपिंग थिंग सिंपल कि आप लोगों को खुश कर सकते हैं चीज़ों को सादा रख कर नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मच डिड हैरी पे फॉर हिज बाबर शॉप तो हैरी ने अपनी हुजाम की दुकान के लिए कितने पैसे जो है वो पे किए थे हैरी टोल्ड द सेलर हैरी ने बेचने वाले को बताया अफ शॉप दुकान को दैट ही हैड ओनली एटी डॉलर्स कि उसके पास सिर्फ अस्सी डॉलर हैं द सेलर सोल्ड हिम द शॉप फॉर सेवेंटी फाइव डॉलर्स तो बेचने वाले ने उससे दुकान जो है पचहत्तर डॉलर के अंदर जो है वो बेच दी ही हैज़ बिन लिविंग देयर फॉर ट्वेंटी फोर ईयर्स और वो वहाँ पर चौबीस साल से जो है वो रह रहा है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ मैनी बाबर्स आर देयर इन ओके बाय द सी ओके बाय द सी के अंदर जो है वो कितने हजाम हैं ओके बाय द सी इज़ अ स्मॉल टाउन तो ओके बाय द सी जो है एक छोटा कस्बा है हैरी इज़ द ओनली बार्बर इन टाउन तो हैरी जो है वो कस्बे के अंदर वाह जो है वो हजाम है नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ मच डज़ हैरी चार्ज फॉर हेयर कट्स तो हैरी जो है वो हेयर कट के जो है वो कितने पैसे चार्ज करता है या कितने पैसे जो है वो उजरत के तौर पर लेते है हैरी जनरली चार्जेस अ डॉलर फॉर अ हेयर कट हैरी जो है आम तौर पर एक हेयर कट का एक डॉलर जो है वो चार्ज करते हैं इन सम केसेस ही चार्जेस अ लेस तो कुछ केसेस में वो कम पैसे भी लेते हैं ही टेक्स अ हाफ और अ क्वार्टर तो वो आधा या एक चौथाई लेता है आर इवन फ्री एज वेल जबकि इसके साथ साथ जो है वो कभी कभार फ्री भी जो है वो हेयर कट कर देते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट वेयर इज़ क्ले गोइंग तो क्ले कहाँ जा रहे हैं क्ले टेल्स हैरी दैट ही इज़ इंटेंडिंग टू गो टू द बीच तो वो बताता है हैरी को कि वो सहले समंदर पर जाने का अरादा कर है ही वांट्स लुक फॉर गुड स्टाफ एट द बीच वो बीच के ऊपर जो है वो अच्छा सामान जो है वो अच्छा स्टफ़ जो है वो तलाश करना चाहते हैं नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर नाइन वाई डज़ क्ले नीड मनी तो क्ले को रकम क्यों चाहिए होती है क्ले नीड्स मनी टू गेट हिज़ फादर कम होम अगेन तो क्ले को रकम चाहिए होती है अपने बाप को दोबारा घर वापस लाने के लिए ही विल आल्सो बाय अ प्रेजेंट फॉर हिज़ मदर वो अपनी माँ के लिए एक गिफ्ट भी जो है वो ख़रीदेगा इट इज अपसेंस ऑफ मनी ये रकम की जो है वो ये रकम का ना होना है कि दैट हैज सेपरेटेड द फैमिली जिसने उसकी फैमिली को सेपरेट कर दिया था अलीहदा कर दिया था नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन वट हैजन टू क्लेज फादर तो क्ले के बाप को क्या हुआ है क्लेज मदर फाइट्स विद कले फादर फॉर नाट प्रोवाइडिंग हिस्सिल नीड्स तो क्लेह की अम्मी जो है वो क्ले के अबू के साथ लड़ती है कि वह बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं करता ही गेट्स टायर्ड ऑफ दिस सार्ट ऑफ लाइफ तो वो इस तरह की ज़िंदगी से उकता जाता है थक जाता है ही लीव्स हिज हाउस वो अपना घर छोड़ देता है एंड गोज टू सेलनास टू वर्क और सेलनास जो है वो काम करने के लिए चला जाता है नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर अलेवन वट ड क्ले वॉन्ट टू पुट इन द लोकल न्यूज़ पेपर क्ले जो है वो लोकल न्यूज़ पेपर के अंदर क्या जो है वो लिखना चाहते हैं या क्या जो है वो पुट करना चाहते हैं ही वांट्स टू पुट एन ऐड इन द न्यूज़ पेपर वो न्यूज पेपर में एक इश्तहार देना चाहते हैं इन दिस एड इस इश्तहार के अंदर ही वांट्स टू रिक्वेस्ट हिज फादर वो अपने बाप से इल्तजा करना चाहते हैं टू कम बैक होम कि वो घर जो है वापस आ जाए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज़ मिस मैक्न मिस मैक्न कौन है हाउ डज यू फील अबाउट हर जॉब और वो अपनी जॉब के मतलब जो है वो क्या महसूस करती है शी इज़ यंग लेडी वो एक नौजवान औरत है शी हैज़ कम इन ओके बाय द सी एज अ टीचर वो ओके बाय सी में टीचर के तौर पर आती है शी फील्स एक्साइटेड अबाउट हर जॉब वो अपनी जॉब के बारे में बहुत जो है पुरजोश होती है एट द सेम टाइम उसके साथ साथ शी इज़ अपसेट एट द केयरलेसनेस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन वो स्कूल के बच्चों की केयरलेसनेस के बारे में बे एहतियाती के बारे में भी परेशान है नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट इज़ मिस मैक्न लुकिंग फॉर मिस मैक् जो है वो किस चीज़ की तलाश में है हाउ डज शी फील अबाउट दी चिल्ड्रन ऑफ द टोन तो वो चिल्ड्रन जो टोन के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में क्या महसूस करें शी इज़ लुकिंग फॉर चिल्ड्रेन टू एग्ज़ामिन देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स वो बच्चों की तलाश में होती है ताकि उनकी जो दिलचस्पी और अदात का जो है मुआनह कर कर सके शी डज़ नाट फील गुड अबाउट द चिल्ड्रेन ऑफ द टोन वो टोन के बच्चों के बारे में अच्छा महसूस नहीं करती बिकॉज दे आर खेल लेस एंड डो नाट ठेक हर सीरियसली क्योंकि वो सारे जो है वो खेल लेस हैं और उसको जो है वो संजीदगी से नहीं लेते नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोटीन वट डज हैरी एडवाइज हार टू डू हैरी उससे क्या करने की नसीहत करते हैं एडवाइज हार टू गो बैक टू सैन फ्रांसिसको हैरी उससे नसीहत करता है कि वो वापस सैन फ्रांसिस्को चली जाए ही थिंक्स दैट शी इज़ आ यंग एंड गर्ल वो सोचता है कि वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की है हु नीड्स एक्साइटमेंट जिससे जोश वलवला की ज़रूरत है ही आल्सो आस्क हार टू मैरी यंग मैन वो उससे कहता है कि एक नौजवान आदमी से शादी कर लो एंड प्रोड्यूस आर ऑन चिल्ड्रन टू टीच और पढ़ाने के लिए अपने बच्चे जो है वो पैदा कर लो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वट ऑफ हेयर कट डज मिस मैक्न वांट मिस मैक्न जो है वो किस तरह की हेयर कट चाहती है शी वांट्स आ पूडल हेयर कट वो पूडल हेयर कट चाहती है एंड हैरी डज नॉट नाओ अबाउट पूडल हेयर कट और हैरी जो है पूडल हेयर कट के बारे में घुघरेले बालों वाली हेयर कट के बारे में नहीं जानता नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कैन हैरी गिव आ पूडल हेयर कट तो क्या हैरी जो है घुंघराले बालों वाली हेयर कट जो है वो देते हैं या दे सकते हैं नो ही नॉट गिव अडल हेयर कट वो पूडल हेयर कट नहीं दे सकता कॉज ही डज नॉट नाउ हाउ टू गिव अडल हेयर कट क्योंकि वो नहीं जानता कि घुंघराले वालों वाली जो हेयर कट है वो कैसे करते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन What does Miss Maclean think that a poodle haircut will do for her appearance? तो so, मिस मैकलीन का घुंघराले बाल काटने से अपनी शख्सियत के बारे में क्या ख्याल था? She wants to change her appearance by poodle haircut. वो घुंघराले बालों से अपनी अपीयरेंस को अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को चेंज करना चाहती है. She thinks that his uh, this haircut will make her simple and plain. वो सोचती है कि ये हेयर कट जो है उसे सादा कर देगी देन शी विल वी एडजस्ट हर सेल्फ टू सराउंडिंग्स तो फिर इस तरह वो अपने आप को आसानी के साथ जो माहौल के साथ जो है वो एडजस्ट जो है वो कर लेगी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एटीन वेयर हैज़ क्लार्क लड़ाबी बीन तो क्लार्क लड़ाबी जो है कहाँ रहा है एंड हाउ डज ही गेट टू ओके बाय द सी और वो ओके बाय द सी जो है किसके जरिए या कैसे पहुँचते हैं तो ही हैज़ बिन वर्किंग इन सेलनास वो सेलनास में काम करता रहे कम्स टू ओके बाई द सी बाई अ ट्रक वो ओके बाय दसी एक ट्रक के जरिए आते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वाल हैरी तो क्लार्क ने हैरी को क्या देता है वट पर्पज और किस मकसद के लिए देता है क्लार्क हैरी थ्री टेन डॉलर नोट्स तो क्लार्क जो है, हैरी को तीन जो है वो दस डॉलर के नोट देते हैं ही ऑस स्कीम टू गिव दनी टू क्ले उसे कहते हैं कि रकम क्ले को दे दे एंड ऑस किम टू टेक एट होम टू हिज मदर और क्ले को कह दें कि वो घर अपनी माँ के पास ले जाए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाउ फार इज इट टू हॉलीवुड फ्राम ओके बाय दसी ओके बाय द सी से हॉलीवुड का कितना फासिले है हॉलीवुड इज अबाउ टू हंड्रेड माइल अवे फ्राम ओके बाई द सी हॉलीवुड जो है ओके बाई द सी से दो सौ माइल के फासले पर वाकई है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वट वर्क डज दी मैन डू तो वह जो आदमी होता है राइटर होता है वो क्या काम करते हैं ही इज अ राइटर वो राइटर है एंड ही राइट आ लिटिल विट ऑफ एवरी थिंग और वह हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट डिड क्ले फाइन नीयर ब्लैक रॉक तो क्ले जो है उसने ब्लैक रॉक के पास जो है वो क्या पाता है या क्या पाया क्ले फोन एंड ऑस्ट हर डेयर नीयर ब्लैक रॉक तो क्ले जो है उसने ब्लैक रॉक के नज़दीक जो है वो ऑयस्टर को पाया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वट डज क्ले बिलीव इन ऑयस्टर क्ले जो है वो ऑयस्टर के बारे में क्या यकीन रखता है हाउ मच इज़ इट्स वर्थ और उसकी वर्थ कितनी होती है या वो कितना कीमती होते हैं क्ले बिलीव दैट देर इज़ अ फल इन द ऑयस्टर क्ले को यकीन होता है कि ऑयस्टर में एक मोती है वर्थ ऑफ टू टू थ्री हंड्रेड डॉलर्स जो कि दो सौ से तीन सौ डॉलर्स के दरमियान में उसकी वर्थ होती है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डज मिस मैक्न बिलीव दैट देर इज़ अ बिग फल इन ऑयस्टर क्या मिस मैक्न को यकीन होता है कि ऑयस्टर में सीप में एक बड़ा मोती है नो no, नहीं शी डज नॉट बिलीव दैट देर इज़ अ बिग पल इन ऑयस्टर उसे यकीन नहीं होता कि सीप में मोती है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वाई डज मिस मैक्न हैव अ चेयर व्री लेग मिस मैक्चन के पास तीन टांगू वाली जो कुर्सी होती है वो क्यों होती है मिस uh, मैक् जो है तीन टांगों वाली कुर्सी जो है वो क्यों उठा के लाती है और लाइक मैनी अदर पीपल बहुत से दूसरे लोगों की तरह शी हैज़ ब्रॉड दिस चेयर फ्राम द बीच वो इस कुर्सी को सहले समर से लेके आती है या लाई होती है शी डज नॉट सीम टू यूज़ इट वो इसे इस्तेमाल जो है वो

दे दिया या जिसकी वजह से उसे जज एप्पल का नाम मिला नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो ये कौन सा साल है इट इज 1953 तो ये 1953 है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28 एट हु इज ग्रिली वट इन अ बॉटल तो ग्रिली कौन है और ग्रिली के पास बॉटल में क्या होते हैं ग्रिली इज अ बॉय हु वाटर इन अ बॉटल तो ग्रिली वो लड़का है जो कि समंदरी पानी लाता है बोतल में एज फल इन द फ्ले स्टैंड फॉर हो जिस तरह इस ड्रामे में जो पर्ल है जो मोती है वो उम्मीद के लिए जो है वो खड़ा हो रहा है या उम्मीद की जो है वो तर्जमानी करता है बॉटल ऑफ द सी वाटर तो समंदरी पानी जो होता है स्टैंड फॉर द डिटेल्स ऑफ लाइफ वो ज़िंदगी की वजाहतों के बारे में है दैट बी लुक्ड फॉर जिन्हें जो है हमें तलाश करने जिनकी हमें जो है वो तलाश है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन जस्ट दैट दे शुड ओपन दी ऑयस्टर किसने सजेस्ट किया कि उन्हें वो जो ऑयस्टर है उसे खोलना चाहिए मिस मैक्स जस्ट दैट दे शुड ओपन दस्टर मिस मैक्चियन सजेस्ट करती है तजवीज़ करती है कि उन्हें ऑयस्टर को जो है वो खोलना चाहिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी वाई डू दे वांट वॉजिक टू कम वो वजिक को क्यों बुलाना चाहती हैं वजिक इज द वॉच अफेयर तो वजिक जो है वो घड़ियाँ सही करने वाला एक मरम्मत करने वाला एक बंदा है देर फॉर दे वांट दैट ही शुड ओपन दस्टर विदाउट डैमजिंग इट्स फल इसलिए वो चाहती हैं कि उसे जो है वो सीप को खोलना चाहिए उसके मोती को नुकसान पहुंचाए बगैर नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हाउ डज हैरी डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके हैरी जो है ओके okay सी के बशिंदों से मुतल क्या बयान करते हैं सेज़ दैट पुअर फैमिलीज लिव्स इन टाउन हैरी कहता है कि गरीब जो ख़ानदान हैं वो इस कस्बे में रहते हैं एवरी फैमिली हैज़ गार्डन हर फैमिली का जो है वो गार्डन है एंड चिल्ड्रन और बच्चे हैं दे अर्न दे लिविंग मोस्टली बाई सेलिंग वेजिटेबल्स एंड एग्स वो ज़्यादातर अपनी लिविंग जो है रोजी जो है वो सब्जियों को बेचकर और अंडों को बेच कर जो है वो कमाते हैं सम पीपल गेट जॉब फॉर कपल of months. कुछ लोग जो है वो चंद महीनों के लिए जॉब जो है वो हासिल करते हैं अ फ्यू गेट पेंशन जबकि कुछ जो है उनको पेंशन मिलती है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी टू री अबाउट दिस है वो हैरी की सोच के बारे में घूंगे के, के अंदर मोती है क्या नुकता नजर है या सीप के अंदर मोती है उसका क्या नुकता नजर है शी थिंक्स डेट हैरी इज इनक लाई वो सोचती है कि है हैरी लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं झूठ बोलने के लिए शी थिंक्स डैट ही इज अ फीक अनख्ले वो सोचती है कि वो आ, क्ले के ऊपर कोई कर्तव्य खेल रहा है या कोई आ, क्ले को कोई धोखा दे रहा है हो लेटर जबकि बाद में ही कम्स टू नो उससे पता चल जाता है दैट हैरी वांट्स टू हेल्प क्ले विद मनी कि हैरी जो है वो रकम के साथ जो है वो क्ले की मदद करना चाहते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वाई डज थिंक दैट मिस मैक्न विल नॉट लास्ट मंथ तो क्यों वो सोचता है कि मिस मैक् जो है वो एक महीना नहीं रहेगी एज अ टीचर टीचर के तौर पर वट काइंड ऑफ टीचर डज ही थिंक दे नीडेड तो वो किस तरह की टीचर की वो सोचता है कि उन्हें ज़रूरत है ही थिंक्स दैट मिस मैक् विल नॉट स्टे अ मंथ इन द स्कूल एज शी इज़ फिटी एंड खांड कंट्रोल द चिल्ड्रन वो सोचता है कि मिस मैक्न जो है स्कूल में एक महीना भी नहीं रहेगी क्योंकि वो खूबसूरत है और बच्चों को काबू नहीं कर सकती ही सेज दैट दे स्कूल नीड्स सम बैठल एक्स वो कहता है कि उनके स्कूल को किसी उखड़ मजाज किस्म की खोल और वो तो एक बूढ़ी जो है वो आ, औरत की ालम औरत की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ बेरिंग ब्यूटी लाइकर उस तरह की जल पड़ी की बजाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वट इज़ एपल गास कंप्लेंट अबाउट दी तो जज, जज एप्पल गाज जो है वो समंदर के बारे में क्या शिकायत करता है ही कम्प्लेंस दैट द क्वालिटी ऑफ स्टाफ वाश्ड अप बाई सी इज़ नॉट गुड वो कहता है कि समंदर जो चीज़ों को धोकर उछाल रहा है उनकी क्वालिटी अब अच्छी नहीं है इट हैज़ बिकम पुअर उनकी क्वालिटी जो है वो लो हो गई है उनकी क्वालिटी जो है वो पस्त हो गई है नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वट काइंड गैजेट डज द राइटर डिस्क्राइब राइटर जो है वो किस तरह की मशीन के बारे में जिक्र करते हैं दी राइटर डिस्क्राइब्स द गैज दैट इज फाउंड इन न्यू यॉर्क उस मशीन का जिक्र करता है जो न्यू यॉर्क से मिलती है ही सेज दैट इट इज़ लाइक आ सेफ्टी रेजर वो कहते हैं ये एक सेफ्टी रेजर की तरह है एंड विद इट्स हेल्प और इसकी मदद से एनी वन कैन हैव हीज हेयर कट हर कोई अपनी हेयर कट कर सकता है इट्स प्राइस इज़ टू नाइन्टी फाइव डॉलर और इसकी कीमत जो है दो सौ पचानवे डॉलर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हु बॉयज द हाउ मच डज ही फे द रॉइटर बॉयज़ दी ऑस्टर राइटर जो है वो बाय करते हैं सीप को फॉर थ्री हंड्रेड डॉलर तीन सौ डॉलर के बदले नेक्स्ट चीज क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन डज द रटर ओपन दस्टर क्या राइटर जो है वो ऑस्टर को खोलता है वाई नाट क्यों नहीं खोलता दी राइटर डज नाट ओपन दस्टर वो ऑस्टर को नहीं खोलता एज यू बिलीव डैट फर्ज आई डोंट स्टॉप गोइंग क्योंकि वो यकीन करता है कि पर्स को जो है उनकी जो नशोनमुमा है वो रुकनी नहीं चाहिए इनफैक्ट हकीकत में ही नोज़ दैट देर इज़ नो फल इन ऑस्टर वो जानता है कि ऑस्टर में कोई मोती नहीं है ही जस्ट हेल्प्स क्ले विद मनी वो क्ले की रकम से मदद करते हैं एक्चुअली ही बॉयज़ द इवेंट विच इट सेल्फ विज अ फल असल में वो उस इवेंट को ख़रीद लेते हैं जो कि बजात खुद एक मोती है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वाइडस क्लार्क लड़ाबी रिटर्न क्लार्क लड़ा क्यों वापस आ जाते हैं क्लार्क रीड्स द एड फ्रॉम हिज फैमिली इन विच द फैमिली हैज़ रिक्वेस्टेड हिम टू कम बैक क्लार्क जो है वो अपनी फैमिली की तरफ से वो इश्तहार पढ़ लेता है जिसमें उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की होती है कि वो वापस आ जाए आफ्टर रीडिंग दिस एड इन द गुल तो अखबार में ये इश्तहार पढ़ने के बाद क्लार्क रिटर्न होम क्लार्क जो है वो घर वापस आ जाता ये वापस आ गया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन What does the writer do with the oyster? The writer bought the oyster just to help clay. तो writer जो है उसने वो oyster खरीदा था clay की मदद करने के लिए and his family in a respectable way और उसकी family की एक इज्जतदार तरीके से he looks it carefully वो उसे एहतियात से देखता है turning it in his fingers उसे अपनी उंगलियों में घुमाता है in the end he puts it in his pocket और आखिर में वो उसे अपनी जेब में रख लेते हैं दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ प्ले नंबर थ्री दस्टर एंड दल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टैंक विद काशिफ